चलिए भाई नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में क्या हाल चाल है सभी के आशा करते हैं कि सब शानदार बढ़िया और जबरदस्त होगा तो बच्चों रेलवे में आरपीएफ के पदों पर भर्ती जारी हो चुकी है आज यानी कि 15 अप्रैल से आप सभी अपने अपने फॉर्म को भर सकते हैं रेलवे की वेबसाइटों पर जाकर किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे चाहे वो इलाहाबाद की चाहे वो पटना की चाहे वो किसी भी जगह पर तो आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और वहां से अपने फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन किसी भी फॉर्म को भरने में जो सावधानियां होनी चाहिए आरपीएफ में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है क्या क्या नहीं ध्यान देनी है वो सारी चीजों को लेकर ताकि फॉर्म भरने में कोई भी गड़बड़ ना हो पाए और आप फॉर्म को पूरी तरीके से भर पाइए उन सभी चीजों को लेकर ये वीडियो आपके सामने बच्चों आ गई है इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक का फॉर्म भरने के सारे स्टेप को समझेंगे क्या हमें वाकई में ग्रुप को चूज करना है या नहीं चूज करना है इन सभी चीजों के बारे में बड़े डिटेल से जानेंगे ताकि आपको सारी बातें समझ पाएंगे जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर जून से फॉर्म भरना है क्या कौन से जोन से अप्लाई करें किस जोन में ज्यादा भर्तियां देखने को मिली इन सभी चीजों के ऊपर बच्चों बात करेंगे कुल मिला के साढ़े चार हजार से ज्यादा पद आपको देखने को मिले हैं अगर आप एसआई SI और कांस्टेबल दोनों ही मिला लेंगे अब फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए होता है जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तभी आप फॉर्म भरने के लिए बैठेंगे ऐसा तो है नहीं कि डॉक्यूमेंट नहीं पता है मैं फॉर्म भरने बैठ गया और पता चल रहा वहां पे कहा कि हाई स्कूल का ग्रेजुएशन का इंटर का सारे मार्कशीट दिखाइए सारे मार्कशीट अपलोड करिए और मुझे पता ही नहीं है तो फॉर्म भरने में आपको क्या चाहिए होगा फॉर्म भरने में सबसे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में किसी को समस्या नहीं है सबके पास अपना आधार कार्ड होता ही होता है यहां पर भी सबके पास होगा जिसके पास नहीं होगा वहां ऑप्शन है आपके पास आपकी बैंक डिटेल्स होनी चाहिए क्योंकि फॉर्म भरने का जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना तो उससे पहले ही आपसे कहता कि भाई बैंक डिटेल्स सर अपने जरा दे दो जो बैंक डिटेल्स दोगे उसी में आपको पैसा वो रिफंड करेगा जैसे ही आप पेपर देकर वापस आएंगे उसके एक आध दो महीने के अंदर अंदर अब टेंथ की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए की मार्कशीट मुझे क्यों चाहिए क्या मुझे अपलोड करना है क्या नहीं आपको अपलोड नहीं करना की मार्कशीट का रोल नंबर चाहिए आप कब पास हुए थे वो चाहिए होगा तो लगभग सभी के पास टेंथ की मार्कशीट होगी हाँ या ना कोई ऐसा होगा नहीं कि जिसके पास ना हो सबके पास होगी नहीं होगा तो घर से फोटो मंगा लीजिएगा इसके बाद आप अगर एसआई का फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए क्या मुझे सर वो मार्कशीट अपलोड करनी है क्या नहीं अपलोड नहीं करनी डब्ल्यू फॉर्मेट में उस मार्कशीट के रोल नंबर उस मार्कशीट के सारी चीजें आपको वहां पर भरनी पड़ेंगी तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा ठीक अब और ये तो सारी बातें क्लियर हो गई अगर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं तो फिर फॉर्म भरना शुरुआत कर लीजिएगा और एक और चीज जो है कैटेगरी की डिटेल्स जैसे आप अगर आप एस हैं तो एस कैटेगरी के डिटेल्स होनी चाहिए अपलोड नहीं करना सारे नंबर आपको देने होंगे ओबीसी है तो वो डिटेल्स चाहिए होगा अगर आप जो है यहां पर ई के हैं तो वो डिटेल्स आपको चाहिए होगा तो सारे डिटेल्स आपसे पहले मांगेगा अब दूसरा सवाल फॉर्म भरने से पहले आता है कि सर क्या एस SI और कॉन्स्टेबल दोनों में ही फॉर्म भर सकते हैं क्या मैंने तो ग्रेजुएशन करा जैसे कितने ऐसे साथी जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है एक बार जोरदार वाला बता दीजिए ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन कमेंट में डाल दीजिए ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने सिर्फ टेंथ किया होगा अगर आपने सिर्फ टेंथ किया है तो कमेंट बॉक्स में आपका टेंथ आना चाहिए अब आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप एक तो एसआई SI के लिए भी एलिजिबल हो गए और कांस्टेबल के लिए भी हो गए तो क्या मुझे दोनों फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल भर सकते हैं आप दोनों फॉर्म को एक साथ भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है लेकिन एसआई SI के लिए आपको अलग से पांच सौ रुपया देना होगा कांस्टेबल के लिए अलग से पांच सौ रुपए देना होगा ये दोनों अलग अलग भर्तियां हैं एक एसआई SI है सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट है लेवल सिक्स की भर्ती है एक कांस्टेबल है लेवल थ्री की भर्ती है कांस्टेबल का पोस्ट है तो दोनों अलग अलग भर्तियां हैं अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा दोनों का अलग अलग पैसा देना पड़ेगा दोनों ही भर सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर भी ज्यादातर बच्चा ग्रेजुएशन का है कुछ बच्चा फाइनल ईयर में है मार्कशीट अगर आपकी आ जाएगी चौदह मई तक तो ही फॉर्म वो भर सकते नहीं तो नहीं भर सकते अगर चौदह मई तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी तो ही ठीक अगला क्या सर ग्रुप वाइज भर्ती है इस ग्रुप वाइज में एक और चीज जोड़ लेते हैं जो कि कमेंट मुझे देखने को मिल रहा है वो है जोन वाइज तो रेलवे ने बड़ी शानदार से चीज करी है अभी तक एल में आप में से कुछ साथियों ने फॉर्म भरा होगा तो वो सारे हेडक रेलवे ने हटा दिए अब आपसे वो कोई भी ग्रुप में फॉर्म भरने को नहीं कह रहा कि ग्रुप ए में भरो ग्रुप बी में भरो ऐसा कुछ भी आरपीएफ में नहीं है यानी सबसे बड़ी चीज रेलवे ने क्या कर दिया कि इस बार ग्रुप का पूरा झमेला ही हटा दिया आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपको किस ग्रुप में फॉर्म भरना है आपको पूरे चार हजार पदों पर लड़ाई करनी है आप लड़ लो अगर उसमें आपके नंबर कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे तो फिर आगे का रेलवे देखेगा तो यहां पर सबसे खुशी की बात है और यह होना भी चाहिए था क्योंकि पदों की संख्या पता चल रहा है नौ हजार है लेकिन मुझे आरआरबी पटना से अप्लाई करना था वहां पर सिर्फ चालीस थे अब मैं परेशान कि मैं पटना में मुझे नौकरी चाहिए मैं कैसे ले पाऊंगा तो रेलवे ने यह झमेला को हटा दिया रेलवे के लिए इसका सभी को सुखगुजार करना चाहिए अब ना ग्रुप वाइज है ना ही जोन वाइज है आपको जोन भी नहीं चूज करना सिंपल जैसे फॉर्म भरते हैं ना जैसे आप में से बहुत सारे साथी ने एसएससी का फॉर्म भरा होगा तो जैसे एसएससी का फॉर्म भरते हो ना क्या कहता है क्या कि आप उत्तर प्रदेश हो यहां वहां कुछ भी नहीं कहता ना वही चीज यहां पर भी करना है लेकिन एसएससी में एक चीज पूछता है कि आपको सेंटर कहां कहां लेना है यहां उसने नहीं पूछेगा आपसे कि सेंटर कहां कहां लेना है हो सकता आपको कहीं भी दे दे घर के आसपास दे दे या घर से इतनी दूर दे दे कि हम वहां पर जाने के लिए भी सोचे कि क्या मामला है कैसे जा सकते हैं तो इतनी बातें जो बातें फॉर्म भरने से पहले वो क्लियर हो गई है। अब आइए देखिए फॉर्म को कैसे भर पाएंगे बहुत सावधानी से से और इजी तरीके से समझ पाएंगे आप बहुत इजी तरीके से आप में से ज्यादातर साथी ही सरकारी रिजल्ट को जानते होंगे ये एक ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो कि लगभग सभी डाटा या सभी फॉर्म आपको पहले दे देते हैं ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं आप कहीं पर भी किसी वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आपको क्या होगा कि आपको सिंपल सा साफ का फॉर्म देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट दिख जाएगी जो रेलवे की वेबसाइट है लिंक डायरेक्ट भी डाल दीजिएगा तो भी ये खुल जाएगा अब कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने एल पी का फॉर्म भरा है कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है तो अगर आपने पहले ए एल पी या टेक्नीशियन कोई भी फॉर्म भरा होगा या दोनों ही भरा होगा तो आपके पास खुद का अकाउंट बन गया होगा रेलवे वाला तो अगर आपने भरा होगा ना तो आप अप्लाई पे क्लिक करना और लिखा बता देना कि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट एक एक है तो आपसे कहेगा सिर्फ मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लो और वही लॉग कर लो तो वहां से सब कुछ आ जाएगा आपका डाटा हर एक चीज आ जाएगा आपका डाटा आपकी फोटो आपका सिग्नेचर आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब डाटा आ जाएगा कुछ नहीं करना पड़ेगा

बाकी उसके बाद आपसे आपके हाई स्कूल का जो है यहाँ पर नाम से आप जो हाई स्कूल में आपका नाम है ना उसी के हिसाब से आपको सभी डाटा चाहिए होंगे मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ हाई स्कूल का हिसाब से डाटा वहां पर फिर से वही चीज भरना है फिर आपसे कहेगा कि आपने नाम अपना चेंज किया तो ज्यादातर बच्चे नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी वही भर देना है जेंडर मेल फीमेल ध्यान से भरिएगा यहाँ पर यही भरना है है ना अपने हिसाब से ध्यान से भरिएगा जो भी आपके पास है कुछ नहीं कंफर्म होगा तो घर पे पूछ लीजिएगा फादर नेम अपना वही भरिएगा जो टेंथ में लिखा हुआ उसके हिसाब से ही फादर नेम भरिएगा नहीं तो समस्या आ जाएगी मदर्स नेम जो टेंथ में लिखा हो में तो शायद नहीं होता है तो मदर्स नेम जो भी है आपको भर दीजिएगा इसके बाद बच्चों आपसे कहेगा आधार कार्ड वेरीफाई करने को तो आपको आधार कार्ड नंबर दिखाना है वेरीफाई यूजिंग आधार पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो वो दिखा देगा कि नाम आपका क्या है बाकी सभी चीजें आपको दिखा देगा ईमेल एड्रेस डालिएगा उस ईमेल पर ओटीपी जाएगा और ये दोनों चीज सबसे सावधानी से चेंज करिएगा क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती होगी तो मैक्सिम चीज आप बदल पाएंगे लेकिन ये दोनों चीजें नहीं बदल पाएंगे ये मैं अकाउंट बनाना बता रहा हूं कि कैसे हम अकाउंट बनाएंगे बैंक में नहीं रेलवे की वेबसाइट पर खुद का अकाउंट बना रहे हैं ताकि रेलवे की आगे की कोई भी फॉर्म आएगा तो मैं भर पाऊंगा ठीक ये मोबाइल नंबर हो गया जहां पर भी ओटीपी आएगा तो मेल जैसे डालेंगे ओटीपी आ जाएगा मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे ओटीपी आ जाएगा मान लो नहीं आ रहा है तो दोबारा डाल के फिर से जनरेट कर देना एक मिनट का समय होता है ओटीपी आने का तो आपका ओटीपी आ जाएगा अब उसके बाद आपसे यहां पर कहेगा कोई एक पासवर्ड बना लीजिए और पासवर्ड में एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो और बाकी नंबर हो जैसे एज एग्जाम्पल आप में से ज्यादातर साथी एमडी एम डी क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने पासवर्ड क्या बना लिया एम कैपिटल कर दिया एम डी मैंने यहाँ पर लिखा एट डी रेट लगा दिया और यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख दिया वन टू थ्री ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा आप अपने हिसाब से बना लेना ऐसा नहीं कि सबने एक ही पासवर्ड बना दिया वन बन टू थ्री जो भी आपको लगेगा वैसे बनाना एक कैपिटल होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए कैप्चा कुछ हो और आपके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो और प्लस आपके पास न्यूमेरिक हो यह होगा तो पासवर्ड आपका बन जाएगा और ये जो लिखा हुआ नंबर ये आप यहां पर डालेंगे और आपको और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना यानी कि अब आपका अकाउंट यहां पर बन जाएगा अब आपको रेलवे का फॉर्म भरने में आसानी हो जाएगा तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना ठीक समझ पाए कि अकाउंट कैसे बनाना है इतनी बातें सबकी क्लियर हो गई हैं। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट बच्चों क्लिक करेंगे ना आपके पास अब देखो ये वाला स्टेप खुल जाएगा इसके बाद ये वाला स्टेप अब स्टेप में देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं जब आप अकाउंट बनाए होंगे तो आपने अभी मोबाइल नंबर दिया था पक्का है आपने अभी अपना ईमेल एड्रेस दिया था पक्का है वही मोबाइल या ईमेल में से कुछ भी डाल दीजिएगा और उसी का जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था ना जैसे MD 1, 2, 3, वैसे आपके पास पासवर्ड था वही वाला यहां डाल के, कैप्चा डाल के लॉग कर लीजिएगा अब आप घुस गए हैं रेलवे के अंदर यानी अब आपको जो भी फॉर्म भरना है यही मोबाइल नंबर यही ईमेल आईडी और यही पासवर्ड से सारे फॉर्म भरेंगे जैसे अभी रेलवे का फॉर्म कौन सा आने वाला है एनटीपीसी का आएगा पैरामेडिकल का आएगा ग्रुप डी का आएगा इसके अलावा आइसोलेटेड कैटेगरीज का आएगा तो सब में यही काम हो जाएगा आपको अलग से हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है कि यार मुझे दूसरा अकाउंट बनाना है अब कैसे करना होगा ठीक इतनी बातें समझ गए अब इसके अंदर आएंगे तो आपसे वो कहेगा भैया देखो ऐसा ऐसा मामला है मैं तेरा लैंग्वेज में पेपर कराऊंगा इस वजह से अगर आपको भरना है तो आप ऑनलाइन अप्लीकेशन पर क्लिक कर दो अगर आपको भरना है तो ऑनलाइन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास खुल जाएगा कि दो फॉर्म अभी रेलवे ने जारी करी है दोनों फॉर्म कौन कौन से हैं सबसे पहला फॉर्म है एस आई का यानी कि सब इंस्पेक्टर का और दूसरा फॉर्म है कॉन्स्टेबल का एसआई वाले फॉर्म को रेलवे कह रहा है आरपीएफ जीरो हजार यानी दो हजार चौबीस आरपीएफ की पहली भर्ती है कॉन्स्टेबल को कह रहा है आरपीएफ जीरो टू यानी ये कॉन्स्टेबल की पहली भर्ती है ठीक इतनी है इतनी बातें आपके पास क्लियर हो गई अब आपको दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि यहां पर अलग नेक्स्ट है यहां पर अलग है तो अगर आपको पहले लग रहा कि मैं पहले दरोगा के फॉर्म भरूंगा तो पहले दरोगा यानी ऐसा ही भर लेना लग रहा नहीं मैं पहले सिपाही यानी कॉन्स्टेबल का फॉर्म भरूंगा तो कॉन्स्टेबल भर लेना और दोनों भर सकते हो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भर सकते हैं। यहां पर आपको क्लिक करना होगा आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी आर आर बी आर आर सी मैं किसी आर आर बी आर आर सी से वंचित नहीं हूं यानी मुझे किसी आर आर बी आर आर सी ने पटक के निकाला नहीं है उसका कहना यह है तो नहीं निकाला है अगर निकाला होगा तो बता देना नहीं तो कोई समस्या नहीं है यहां पर टिक कर देना जिसको भी फॉर्म को भरना

इसके अलावा आपको लैंग्वेज कौन से सेलेक्ट करनी है आपका रीजन कौन सा होना चाहिए आपका डाली होगी ना डेट ऑफ बर्थ देखो वहां पर दिखा देगा कि भाई इतने साल के हो जितने भी एज हो गए जैसे ये मैंने डाला तो सत्ताईस साल पांच महीना तीन दिन है और फॉर्म को भर सकते हैं अट्ठाईस साल तक का जनरल कैटेगरी में तो इनका दिखा दिया फॉर्म को भर सकते तो जो बच्चा नहीं होगा वो अपने आप दिखा देगा कि बहुत ज्यादा बड़े हो गए अब आप अब आप रेलवे के लायक नहीं है अब आप और कोई परीक्षा की तैयारी करें वो भी बता देगा ठीक परीक्षा कौन सी होगी वो खुद सोचना रेलवे सिर्फ बता देगा कि इस वाले फॉर्म को नहीं भर सकते ठीक इसके बाद आपको अपना एक्स सर्विस मैन है कि नहीं है बाकी सभी पीडब्ल्यू भी आ रहा है कि नहीं ये सब चीजें आप बता देंगे सारी चीजें बता देंगे अब आपसे एजुकेशन का डिटेल्स मांग लेगा एजुकेशन में इसी में पर्सनल और अदर में ही आपसे बैंक अकाउंट भी नीचे मांगेगा बहुत सिंपल है मतलब रेलवे का फॉर्म भरना मतलब हलवा खाना है कुछ भी ऐसा नहीं है लेकिन हाँ तो वहां पे कहेगा सबसे पहले जरूर भरना ऐसा नहीं कि ऐसा ही है तो सीधे ग्रेजुएशन बता दिया भाई ग्रेजुएशन भी तो टेंथ ही करके करोगे तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन मत कहना टेंथ जरूर भरना आपको वो अपने आप ही दिखेगा आपको मिनिमम टेंथ का आप कौन से स्टेट से करे हैं कौन से जिले से करे हैं किस बोर्ड से करे यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दुनिया भर का जो भी बोर्ड है कब डेट ऑफ पासिंग है यही आपको ध्यान रखना और ये आपके मार्कशीट में लिखी होगी और आपका रोल नंबर क्या है आपको यहां पर फिर एड पे क्लिक करना रहेगा ठीक टेंथ के हमें इसीलिए मार्कशीट चाहिए क्योंकि एक तो रोल नंबर पता चल जाएगा वहां से वैसे भी पता होता है ज्यादातर साथियों को तो याद हो जाता मुझे भी अपना टेंथ तक अभी याद है आपको भी याद होगा

अब आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दिया अब फोटो अपलोड करना है जहां पर फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन जहां पर फोटो वगैरह भरते हैं ना वहां सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं फोटो और सिग्नेचर से अब फोटो कौन सी होनी चाहिए एकदम ध्यान से समझिएगा ताकि फोटो में कोई भी समस्या ना हो अभी ही जाके दुकान पर या घर पे मोबाइल पर वैसी फोटो खिंचा लीजिएगा सबसे कह रहा है रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए यानी नया नया बहुत ज्यादा पुराना हो तो छह महीने का उससे ज्यादा पुराना मत ले लीजिएगा दाढ़ी मूछ अगर नहीं आई होगी तो बिना दाढ़ी मूछ वाला ही लगाइएगा आ गई होगी तो उसके साथ ही लगाइएगा जैसा फोटो है वैसा ही लगाइएगा ऐसा ना हो कि पहले खूब खतरनाक दाढ़ी मूछ था जिस दिन पेपर देने गए सब कुछ बराबर कर लिया वो पहचान ही नहीं पाए कि भाई आप कौन है तो आपको वहां से वो निकाल देगा तो ठीक फोटो लगाइएगा ताकि सब कुछ मामला क्लियर हो और व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए जो भी फोटो लगाइएगा पीछे एकदम सफेद बैकग्राउंड रखिएगा अगर नहीं होगा तो कहीं दुकान पे चले जाइएगा उन लोगों के पास पीछे पर्दे के ऑप्शंस होते हैं वो आपको खींच के दे देंगे तो व्हाइटी बैकग्राउंड रखिएगा कुछ बढ़िया कलरफुल मत लगा लीजिएगा जिसकी समर चल रहा है तो पीछे फूल वगैरह लगा लेते तो समस्या आ जाएगी यहां पर लिखा छह महीने ज्यादा पुराना ना हो बाकी साइज वगैरह आपका लिखा है तो साइज अगर आप चेंज कर पाते होंगे तो करिएगा नहीं कर पाते होंगे तो साइबर कैफे पर जाएंगे वो भी आपको साइज वगैरह दे देगा लेकिन साइबर कैफे में फॉर्म भराते समय ध्यान रखिएगा बैंक डिटेल्स बीच में मांगेगा तो बैंक डिटेल में सिर्फ अपना डिटेल्स दीजिएगा क्योंकि पैसा वापस भी आएगा तो 500 में से जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का चार सौ रुपए वापस आ जाता है जिस दिन पेपर देके आओगे उसके एक महीने के अंदर अंदर रेलवे वापस कर देगा और अगर आपने सबने साइबर कैफे वाले को दे दिया और उसने दस हजार फॉर्म भरे होंगे तो फिर समझ सकते हैं कि वो वो कितने घर खरीद सकता है या कितने जमीन खरीद सकता है ठीक तो इसलिए अपनी ही डिटेल दीजिएगा ताकि वो चार सौ रुपए का फायदा आपको मिले और आप आराम से हफ्ते भर उसमें गुजार देंगे ठीक अब ये सारी चीजें आपके पास फोटो और बाकी सभी चीजें आपके पास क्लियर हो गई है फोटो जो है अब यहां पर लिखा फेशियल फीचर शुड बी क्लियर एंड नॉट टू बी कवर्ड बाई एनी आइटम यानी आपके पास मास्क ना लगा हो आपके चेहरे पर बाल ना आ रहा हो जिस लड़कों के बाल बड़े होंगे वो सही से बाल पीछे कर लीजिएगा तेरे नाम वाले टाइप में ताकि चेहरे पर ज्यादा ना आए चेहरे पर कोई भी कपड़ा ना आए रोशनी में मत खींच लीजिएगा जैसे धूप वगैरह होता कि आधे साइड का क्लियर दिख रहा आधे का नहीं दिख रहा कोई भी ज्वेलरी आप चेहरे पर मत पहनेगा इसका कहना मतलब यह है बाकी किसी भी तरीके से आपके पास चेहरे पर कुछ भी ना हो सभी चीजें एकदम क्लियर हो कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो और सबसे सिंपल बात कही जाती है ना देखो यहां पर लिखा भी होगा कैंडिडेट वेयरिंग ग्लासेस मान लो आप में से ज्यादातर साथी ऐसे होंगे जो चश्मे पहनते होंगे the आप चश्मा पहनते भी हो और चाहते हो और मुझे चश्मे में ही सुंदर लग रहा हूं मैं उसी में फॉर्म भरूंगा तो चश्मे पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ही आपने लाइट खींची की चश्मा दिखी मतलब दिखी नहीं रहा आपकी आग की आंख है भी की नहीं है तो इसलिए वो चश्मा निकाली के फोटो खींचा वो सबसे बेहतर होता है ठीक तो बिना चश्मे के फोटो खिंचा लेना इस चीज को ध्यान रखना अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपने खूब मेहनत करी और मेन समय पर जब एडमिट कार्ड लोगों का आना था और आपको यह पता चलता कि यार मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उससे बड़ा दुख जीवन में कोई नहीं मिलेगा इसलिए सही फॉर्म अपलोड करना और फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते इसी फोटो और सिग्नेचर की वजह से ठीक फिर उसके बाद सिग्नेचर कह रहा है ब्लैक या फिर ब्लू पेन से हो रनिंग हाथ से सिग्नेचर होना चाहिए और बाकी आपके पास ब्लॉक लेटर में ना हो सारे के सारे स्मॉल वगैरह जैसा करते हो वैसा नॉर्मल कर देना बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी मत करना लेकिन ऐसा करना कि दोबारा कर पाओ उसको इसके बाद आपने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया अब आपसे प्रिव्यू मांगेगा प्रिव्यू में आपसे कहेगा कि भाई पहला आपने कर ही दिया अग्री यहां पर कर लेना यहां पर कर लेना प्लेस डाल देना जहां से फॉर्म भर रहे हो और आपका सिग्नेचर दिखा देगा कि भाई देखो तुमने ऐसा सिग्नेचर भरा था फिर अपलिकेशन को एक बार प्रिव्यू कर लेना करने के बाद आपसे कहेगा एक बार फाइनल देख लीजिए कि अगर अभी भी लग जा रहा है कि कोई गलती है जो बची रह गई उसको करेक्ट कर लीजिए अदरवाइज आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर दीजिए तो क्या आरपीएफ एसआई या कॉन्स्टेबल का फिर इसका जब सबमिट करेंगे तब आपसे पेमेंट कहेगा अब जैसे देखो इनका पांच सौ पेमेंट लग रहा तो ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे सारी सुविधा और पेमेंट इनका हो जाएगा फिर इसके बाद ये प्रिंट निकाल सकते हैं क्या किसी भी साथी को ऐसी कोई बड़ी समस्या लगे कि इस बार इस फॉर्म को मैं खुद नहीं भर सकता हूं बिल्कुल भर सकते ना तो कोशिश करिए तो घर पर ही भर सकते नहीं मन कर रहा है ज्यादा डर लग रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं भरूंगा ये मेरा पेपर है मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ बढ़िया से निकालूंगा तो बाहर भर लेना लेकिन कोई समस्या ऐसी बड़ी नहीं कि फॉर्म को नहीं भर सकते अब तैयारी के लिए सबको पता है कि एमडी क्लासे रक्षक बैच ले आ चुका है आप में से जो भी साथी आरपीएफ ट्वेंटी है, है आठ पैंतालीस पर यूट्यूब पर ही बताऊंगा कि बैच में टीम कौन सी है बैच में पढ़ाएंगे कैसे बैच की डिटेल्स क्या है लाइव क्लासेस कैसे कैसे होंगी सब कुछ टाइम टेबल दो तीन दिन बाद आएगा लेकिन पूरी टीम की फोटोज में आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे बैचेज में पढ़ाएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा कितने टीचर्स होंगे वो भी मैं दिखा दूंगा ठीक बस ये चीज सोच के करना कि जो भी बैच से जुड़ना वहीं जुड़ना जब वो रेलवे को ऑलरेडी पढ़ा चुके होंगे और जिनके पास बेहतरीन और शानदार रेलवे की फैकल्टी होगी अदरवाइज आपको पछताना पड़ सकता है ठीक बाकी बैच से जिसको जुड़ना होगा वो इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए ऊपर वाला व्हाट्सएप भी है नीचे वाला व्हाट्सएप नहीं है आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए आपकी सभी समस्याओं को यहाँ से दूर कर दिया जाएगा ठीक है चलिए जो भी और समस्या अगर रह गई होगी जो फॉर्म फिलअप से संबंधित होगी वो मैं आपको बता दूंगा अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मैं आपको सारी बातें अलग से वीडियो में फिर बता दूंगा ये वीडियो कंप्लीट है जिसमें आपको लगभग सभी जानकारी या सभी जो चीजें मिल गई होगी कास्ट सर्टिफिकेट भी सब इसी में लगेगा आपको कैटेगरी चूज करनी है जनरल था तो जनरल में नहीं लगा ओबीसी जैसे चूज करोगे तो सब कुछ लग जाएगा जैसे मैंने जनरल के बच्चे का फॉर्म भरा था तो कुछ नहीं लगा ओबीसी का भरा होता तो वहां पर लग जाता ठीक इसी में सब मांगेगा शुरुआत में ही चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत शुक्रिया लव यू ऑल थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर